सकते हैं कि ब्रेड पकौड़ा और टिक्की हमारा बनके तैयार हो चुका है। एक ही ब्रेड से दोस्तों बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत काफ़ी कुरकुरे मार्केट जैसे हमारा टिक्की बन के तैयार हो गया खुले खुले। तो आप लोग मार्केट जैसा टिक्की कैसे बनाना चाहते हैं घर पे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिना दोस्तों मसाला के बना के तैयार किए हैं सादा टिक्की आप इस तरह से बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ऐसा करते दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, माता रानी की कृपया सभी दर्शकों पर बने रहे हमारे। तो आज चल रहे अपने किचन में, जैसे देख रहे हैं बारिश हो रहा है, अभी रात से बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आज चल रहे हैं गर्म गर्म टिक्की बनाने के लिए। दोस्तों हलवाई जैसे टिक्की कैसे घर पर बना सकते हैं बिना मसाला के आप लोग? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देख सकते हैं बच्चे भी लाइन से बैठ गए हैं आकर, और साथ ही साथ हम बैठ गए हैं श्याम सुंदर जो हैं अपना वो कुछ काम कर रहे हैं पूरा, और यहाँ पर हम बनाने चल रहे हैं। और साक्षी देख सकते हैं बूढ़ी जैसे बैठी है कैसे। अब इधर आलू को उबला कर हमने ले लिया है पहले से, उसके बाद देख सकते हैं हल्का सा दरबरे यहाँ पे मिर्ची को कूट लिया है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदरक को भी दरबरे ले लिया है, दरबरे लहसुन ले लिया है। आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद देख सकते हैं धनिया पत्ती को बारी हुई काट लिया है। उसके बाद हमारे गाँव के तरीके से चटनी यहाँ पर बनाएंगे हम, कैसे हमारे यहाँ पर पकौड़ी के साथ में टिक्की के समोसे के साथ में चटनी बनाया जाता है। तो कच्ची चटनियाँ बनाया जाता है हमारे यहाँ पर, देखिए इस तरह से टमाटर ले लिए, धनिया पत्ती ले लिए काट कर, इसके बाद लहसुन 8 कली ले लिए, यहाँ पर हरी मिर्ची हमने इस तरह से काट कर ले लिया है। इस सारे चीज़ को नमक डालकर हम अच्छे से पीस कर उठा लेंगे। सिलबट्टे की चटनी जैसे देखते हैं आप लोग की खाने में अच्छा लगता है, और मिक्सर में रहता तो बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, और सिलबट्टे में पीस के थोड़ा सा दरबरी रहता है तो अच्छा लगता है। अब इसको एक साइड करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे आपको जलाएंगे माटी का। आग हमारा बहुत तेज, जैसे देखते हैं एक गन्ने की लकड़ियाँ है, गन्ने को खोइया बोला जाता है, एक बहुत तेज जल जाता है बिना जैसे देखते हैं कोई झंझट के जल जाता है, लकड़ी रहता है जैसे देखते हैं बिना पन्नी से नहीं जलता है वो। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरा डालने के बाद अदरक, अदरक डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन को, और यहाँ हरी मिर्ची डालेंगे। जैसे जैसे मनीष का फोन आ गया था तो साथी को आप मुझे दिखा रहे थे, तो उसके बाद मनीष से बात करने लगे, कलिया जल गया यहाँ से ज़्यादा, कलिया जल गया था इसलिए हम थोड़ी सा ठंडा करके आपको यहाँ पे बुझा दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे सारे तड़के इसमें, अब फिर आपको जला देना है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक, एक डालेंगे चाट मसाला। इसमें बिना मसाला के बनाएंगे इसको, यहाँ पे देखिए मैगी मसाला हम बस डाल रहे हैं क्योंकि मैगी मसाला में थोड़ी सा जीरा रहता रहता है, टेस्ट गर्म मसाले का रहता है। अब इसके अलावा कोई भी मसाला हमको नहीं डालना है। अब तुरंत इसमें आलू हम ऐसे मसल के डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए टिक्की के मसाला को हम अच्छे से भून ले रहे हैं, आप इसमें डालना चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको भून ले रहे हैं अच्छे से। धनिया पत्ती, इसमें मसाला हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप 1 चम्मच इसमें जैसे जीरा पाउडर डाल सकते हैं, और मैगी इसमें जैसे देखते हैं मैगी मसाला, मैगी मसाला डालने से टिक्की का स्वाद जो है जो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बिना मसाले की टिक्की को इस तरह से एक बार बनाएंगे आप लोग तो बिल्कुल इस टिक्की को जैसे खाने के बाद आप लोग को मालूम भी नहीं चलेगा, और आपको इसका स्वाद भूल भी नहीं पाएंगे। एक बार इस तरह से टिक्की आप जरूर बनाएँ। हम मसाला इसको क्या कर रहे हैं थाली में डालेंगे ठंडा होने के लिए। आप ज़्यादा तीखे खाते हो तो इसका चटनी जैसे रहता है तीखा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तीखे नहीं खाते हैं इसलिए ज़्यादा इसमें मिर्ची हम नहीं डाल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे प्रेशर खाली में निकाल लेंगे इसको ठंडा होने के लिए, ऐसी करेंगे आपको फिर प्रॉपर तैयार कर लेंगे। अब मिक्सर जार में सारे कुछ डालकर हम चटनी इसका पीस कर तैयार करेंगे अच्छे से। अब इसका चटनी पीस कर तैयार करेंगे आपको, तो इसी तरह से रोक रोक कर पीसेंगे तो सिलबट्टे जैसे दरबरे पिसाएगा, क्योंकि सिलबट्टे पर हम चटनी पीस नहीं पाएंगे तो इसलिए इसमें पीस रहे हैं। खोलकर देख लेंगे तो देखिए चटनी हमारा दरबरे पिसा रहा है, इसको एक बार इस तरह से डाल लेंगे, लगातार आप चलाएंगे इसको तो चटनी अच्छे से नहीं पिसाएगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा इसका, दरबरे नहीं पिसाएगा ये चटनी। देख सकते हैं कि बिल्कुल दरबरे पिसा के तैयार हुआ है। सिलबट्टे जैसे चटनी इसी तरह से रोक रोक को पीसेंगे, आप खोल खोल के देखते जाएंगे तो सिलबट्टे जैसे पिसा जाता है चटनी। चटनी को कटोरा में पलटी कर लेंगे, देखिए सिलबट्टे जैसे चटनी हमारा दरबरे पिसा के तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, करेहिए में डालेंगे हम तेल, सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बहुत काफ़ी
अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ की पकौड़ी आप बना के देख सकते हैं, चाहे टिक्की हुआ, समोसा जैसे रहता है रिफाइन तेल में अच्छा लगता है, और टिक्की हुआ जैसे पकौड़ी हुआ, लौकी पकौड़ी हुआ, बारा हुआ, ये सब सरसों के तेल में अच्छा लगता है खाने में। तो होली पर इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखते हैं टिक्की वाला बनाकर हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके, जब भी कोई मेहमान आते हैं बेसन घोल के उसके बाद टिक्की को तुरंत हम छान सकते हैं। तो चलिए हम फिर बेसन को घोल तैयार करेंगे। बेसन को घोल तैयार करने के लिए हम देखिए हमने लिए हैं 3 चम्मच चावल की आटा छोटे चम्मच से जो रहता है। नमक इसमें खत्म हो गया है, नमक लेकर डालेंगे। देखिए हम हल्दी, हल्दी डालने के बाद से थोड़ी सा जीरा हाथ से मसल के डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। हींग का डिब्बा अब इसमें डालेंगे हम हींग, जैसे ये वाला हींग रहता थोड़ा सा मोटे साइज में रहता है, उछलिया डालना पड़ता है इस तरह से। जो नीचे का था उसको हम डाल दिए, ऊपर वाला जो रहता है उसको हटा दिए हैं। अब इसी में डालेंगे हम स्वाद के अनुसार से नमक। अब इसको थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। तो इसका घोल ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब इसके बाद इसके घोल को पतला करेंगे। कोई कोई लोग रहते हैं एकदम बिल्कुल पानी जैसे इसका घोल कर देते हैं तो टिक्की अच्छा नहीं बनता है। तो आप लोग कमेंट करते हैं मेरी टिक्की जब बनाते हैं तो कच्चा नहीं, करिया में से करिया चपक जाता है करिया में, तो ज़्यादा टिक्की का घोल एकदम पतली नहीं रखना चाहिए, मीडियम में रखना चाहिए। इसको अच्छे से हम फेंट ले रहे हैं, फेंटने के बाद से आप लोग देख सकते हैं कितना इसका पतला है। थोड़ी सा और इसको ढीला कर लेंगे हम। इसी तरह से घोल रहना चाहिए आप लोग का, देख सकते हैं आप लोग। अब चलिए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। अब टिक्की को हम उठाएंगे, टिक्की को इस तरह से, टिक्की को जैसे बनाना है आपको उस तरह से आप बना सकते हैं टिक्की को। टिक्की को इस तरह से करके पतला करना है। तो इस तरह से टिक्की को थाली में तेल लगाकर बना बना कर रख सकते हैं आप। जब भी होली में मेहमान आते हैं तो तुरंत टिक्की का घोल बना के तैयार किए तुरंत छान छान कर दे सकते हैं। इस तरह से देखिए टिक्की को हम डुबाते जा रहे हैं इसमें घोल में। देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं, लगाने के बाद एक टिक्की इस तरह से उठाएंगे, बिल्कुल बेसन इसमें उतना नहीं लगा रहेगा। अब तेल में इसको टिक्की को डालते जाएंगे, फिर दोबारा भी इसी तरह से लगाएंगे। आप इस टिक्की को हाथ से भी डाल सकते हैं, अगर हम इसको तेल में डाल रहे हैं इस तरह से इसका घोल और पतला आप कर सकते हैं, थोड़ी सी पतली और कर सकते हैं इसका घोल जो है। इस तरह से पटते जा रहे हैं, इसको डालते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये रहता है कि टिक्की में ज़्यादा बेसन नहीं, ऊपर से इस तरह से बेसन हल्का सा लगा दीजिए और तुरंत टिक्की को उठाकर आप इस तरह से तेल में इस तरह से डालते जाइए। इधर देख रहे हैं साची को, पापा को टिक्की उतना नहीं पसंद है, तो अपने लिए देखिए ब्रेड लेकर यहाँ पे दे दिए हैं कि हमारे लिए ब्रेड बनाइए। तो इससे आप ब्रेड का भी बना सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा ब्रेड में लगा के तुरंत इसी घोल से छान सकते हैं। अब टिक्की को हम देखिए थोड़ी देर के लिए कुरकुरे करने के लिए छोड़ देते हैं हम। अब टिक्की को हम कर लेंगे इस तरह से, और देखिए कितना काफ़ी अच्छा टिक्की हमारा बन के तैयार हो रहा है मार्केट जैसे। मार्केट में गर्म गर्म टिक्की जब खाता है तो चटनी लगा के देते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग घर पर मार्केट जैसे बना सकते हैं कम मसाला में, और टिक्की जो है उतना तेल नहीं सोखता है जो है ब्रेड पकौड़ा रहता है, तेल ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा सोखता है, क्योंकि टिक्की जो आलू रहता है उतना तेल नहीं सोखता है। तब इसी तरह इसको मीडियम आंच में पकाएंगे, बहुत ज़्यादा कुरकुरे हमारा बनके तैयार होगा। ये पकौड़ा के देखिए तुरंत हम इसमें डाल देंगे ब्रेड पकौड़ा, चाची को बोले बनाने के लिए तो ब्रेड पकौड़ा के याद आ गया है। तो देखिए यहाँ पर टिक्की हमारा बनके तैयार है, तुरंत इस तरह से कागज़ पर रख देंगे हम। देखिए कितने काफ़ी अच्छा बनके टिक्की तैयार हो चुका है। तो चलिए दूसरा भी टिक्की इसी तरह से हम बना के तैयार कर लिए हैं। तुरंत टिक्की को निकालेंगे, तुरंत तेल में इस तरह से डालते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक करके जाइएगा। इसी तरह से आगे टिक्की बना के फिर आप लोग से मिलते हैं।